नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ गौरव आशीष श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद मोदी सुनामी में सभी विपक्षी पार्टियां, क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय पार्टियां सब बह गए। लेकिन सबसे तगड़ा झटका लगा यहां पर कभी एक समय पर प्रमुख विपक्षी पार्टी रही कांग्रेस को। कांग्रेस तो शायद अपनी साख बचाने में भी कहीं ना कहीं असफल नजर आई। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कौन से सियासी समीकरण बिगड़े जिनकी वजह से कांग्रेस को इस तरीके की हार का सामना करना पड़ा। ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी आदित्य। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य, कांग्रेस एक वक्त पर बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी थी और जिस तरीके से इस वक्त हाशिए पर आई है, क्या कारण हो सकते हैं कांग्रेस की हार के? देखो, बहुत सारे कारण हैं। अगर कांग्रेस को देखें शुरुआती दौर से, हम देखें कांग्रेस को, क्योंकि 2014 हुआ था, 2014 के बाद विधानसभा चुनाव कई जगह हुए और कांग्रेस से चाह रही थी कि अच्छा प्रदर्शन हम हर जगह करते रहे। लेकिन शुरुआती दौर से जिस तरह चीजें देखने को मिली, अगर गुजरात की हम बात करें, गुजरात के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए जाते हैं, बदले जाते हैं, राहुल गांधी को सौंपा जाता है, कमान सौंपी जाती है, फिर उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी सही होती हैं। तो इसके बाद यह हुआ था कि स्थितियां कांग्रेस सही होने के बाद गठबंधन की जो सुगबुगाहट लगी थी, महागठबंधन की एक तस्वीर देखने को मिली थी जिसमें सारे विपक्षी दल एक साथ थे और लग रहा था एक ऐसा कुछ होने वाला है जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ खड़ा होगा। एक ऐसा गठबंधन बनेगा जहां ये देखने को मिलेगा कि सब कुछ, मोदी का जो जादू है जो 2014 में चला था, मोदी मोदी हर जगह नमो नमो हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते रहे, समीकरण बदलते गए बदलते गए, और सबसे बड़ा कारण अगर ये कहे तो यही है कि कांग्रेस अपने रणनीति को ना बना पाई। कांग्रेस शुरुआती दौर में जिस तरीके से चल रही थी, पहले सोचा गठबंधन होगा उसमें चलेंगे, फिर ये हुआ अकेले पड़ गए, फिर अकेले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, सारे जगह नेता अलग अलग होते गए, छिटकते गए और उसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जी आदित्य, कहा गया था कि जब प्रियंका गांधी आएंगी तो पार्टी में नई जान फूंक देंगी, लेकिन उसके बाद तो तमाम तरह की चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी तो पार्टी में जान फूंकने आई थी, पार्टी फूंक कर चली गई, तमाम तरह की बातें भी उठ रही हैं। ऐसे आखिर ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर साफ तौर पर प्रियंका गांधी का जिक्र करें, प्रियंका गांधी की मांग जी बहुत पहले से उठ रही थी कि उनको पार्टी का नेतृत्व तो सौंपा जाए, क्योंकि हो सकता है प्रियंका गांधी में, जो जनता मानती है, कुछ कार्यकर्ता भी ये कहते थे कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, तो हो सकता है कि एक अच्छा प्रदर्शन उनका होगा, लोग इंदिरा गांधी समझकर, जिसको आयरन लेडी कहा जाता रहा है, जिनको उनकी वजह से थोड़ा वोट प्रभावित होंगे। लेकिन इस बार का वही समीकरण मैं बार बार बात कर रहा हूं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को अंत समय में उतारना, और ये कांग्रेस इस उसमें थी कि मैं प्रियंका गांधी को उतार रही हूं या कांग्रेस अगर पार्टी प्रियंका गांधी को आगे ला रही तो एक अच्छा प्रदर्शन होगा, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा हुआ। क्योंकि जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की बात की जाए, जिस तरह से सभी लोग, खासकर अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी हमलावर रहती है रॉबर्ट वाड्रा पर और उसको लेकर प्रियंका गांधी पर, और कई सारे सवाल। क्योंकि अगर शुरुआती दौर से हम बात करें, हर चीज को समझे, तो जो वंशवाद के घेरे में कांग्रेस हमेशा घिरी रही और वंशवाद का जो आरोप उस पर लगता रहा, उन आरोपों का और उत्तर प्रदेश में जो उसका सियासी समीकरण सही नहीं हो पाया, गठबंधन को लेकर जिस तरह से सपा और बसपा और आरएलडी एक साथ आ गए, उसके बाद कांग्रेस अलग छिटकती नजर आई और नतीजा आपने देखा है कि एक सीट मिली कांग्रेस को। बहुत बहुत ही चिंतनीय विषय है इस तरीके से कांग्रेस के लिए। यहां पर सवाल एक ये भी उठता है कि कांग्रेस को अपनी हार का अंदाजा शायद वहीं से होने लगा था जब वाराणसी से बहुत सुगबुगाहट थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारा जाएगा, लेकिन आखिरी समय पर प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से नहीं उतारा गया। देखो, एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस की, क्योंकि अगर कोई पहले कहीं जाए, एक जिसे हमारे यहां है कि पहला कोई आता तो सम्मान ज्यादा तरीके से होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। प्रियंका गांधी राजनीति में आई थी, सक्रिय राजनीति में इससे पहले वो थी नहीं, अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करती हुई देखी जाती थी, लेकिन सक्रिय राजनीति की अगर बात करें तो सक्रिय राजनीति में इस बार ही वो आई, पार्टी महासचिव के रूप में आई, काम किया उन्होंने और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार इनको सौंपा गया। तो यह हुआ कि अगर पहला चुनाव प्रियंका गांधी एक समझ रहे, प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा है, बड़ा हो हल्ला कांग्रेस में हुआ था तो इनको लेकर आ रहे तो अच्छा होगा, तो अगर पहला चुनाव उनसे लड़वाते वाराणसी में, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ रहा है तो एक अच्छा कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस ने यह रणनीति इसलिए बनाई कि प्रियंका गांधी को ना उतारे, क्योंकि पहला चुनाव था, अगर वो पहला चुनाव हारती तो जो एक तुरुप का इक्का समझ रही थी कांग्रेस, वो भी मुश्किल में हो जाती, क्योंकि यही हाल आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। आम आदमी पार्टी जितने बड़े थे सब बड़े गए, चलो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम करेंगे हम करेंगे, कुमार विश्वास अमेठी चले गए, ये चले गए बनारस अरविंद केजरीवाल, सब धराशायी हो गए। तो ये एक रणनीति के तहत जो कांग्रेस ने कहा कि अंत समय यह कहा कि हां प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी, जो हमारा उम्मीदवार है गठबंधन का, वही वो लड़ेगा। जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब जब समीक्षा करने बैठेगी हार की, तो क्या मुद्दे ऐसे होंगे जो बाहर निकल कर आएंगे और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है?
देखो कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और बड़े लंबे समय से इसमें बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको संभालना, उनके सामंजस्य को संभालना और जो गुटबाजी का असर हर एक राज्यों में देखने को मिलता है, चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तो ये जो गुटबाजी का जो सिलसिला कांग्रेस में है, इसको कांग्रेस खपा नहीं पा रही है, इसमें कांग्रेस मेहनत नहीं कर पा रही कि हम गुटबाजी को संभाले कैसे। एक बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि पार्टी किसी गांधी परिवार से हट के कोई प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था, तब पार्टी गुटबाजी में बढ़ गई थी। अब समस्या ये, जैसे इस्तीफे की बात लगातार कांग्रेस में हो रही है, राहुल गांधी भी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, राजबब्बर जो कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं वो भी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। अगर ऐसा होता है, पार्टी सोच रही कि हम वंशवाद से इतर होकर राजनीति करें, हमारे ऊपर हमला करने का किसी को मौका ना मिले, हम भी ये कहे कि हमने किसी अन्य को पार्टी अध्यक्ष बना दिया, हमने हम भी किसी दूसरे के पार्टी के सहारे पर चल रहे हैं, लेकिन समस्या वहां आ जाती है अगर कोई और अन्य आएगा, तो उसके बाद गुटबाजी का दौर कांग्रेस में और शुरू हो जाएगा और ये हो जाएगा कि वो कहेंगे उनको बना दिया, हमको नहीं बनाया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पार्टी में सबसे बड़ी बात है, पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि हमें अपने कार्यकर्ता कैसे खड़े करने हैं, हमें अपने ब्लॉक अध्यक्ष कैसे नियुक्त करने हैं, हमें अपने जिलाध्यक्ष कैसे नियुक्त करने हैं, हमें अपना प्रदेश अध्यक्ष कैसे नियुक्त करना है, हमें जो हमारा जो लीडर होगा वो लीडरशिप कैसी होनी है कि उसमें गुटबाजी ना हो, उसमें सबको सामंजस्य आपस में बिठा के चलना पड़ेगा, और यही सामंजस्य ना बैठना ही हार का कारण रहा और बीजेपी का यही सामंजस्य बैठना उनकी जीत का कारण नहीं। बीजेपी तो इस बात को समझती है कि हमें कहां कैसे काम करना है, हमें किस पर नाराजगी जाहिर करनी है, कहां नाराजगी नहीं जाहिर करनी, कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, उसको पता है। क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरह से नाराजगी की बात की जाए, ज्योतिबा भाई फूले भी नाराज हुई, बिल्कुल वो कांग्रेस में गई, कांग्रेस चुनाव लड़ा उन्होंने, और बहुत सारे नेता है, उदित राज की बात कर ले, दिल्ली में वो भी चले गए, दलित चेहरा थे, दोनों दलित चेहरा, ज्योतिबा भाई फूले भी दलित चेहरा थे, वो तो सांसद थी पार्टी की और ये भी सांसद थे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बाहर गए, बीजेपी कुछ नहीं बोली, लेकिन जब पासवान रामविलास पासवान ने भी जाहिर किया कि हमको अगर सही सीटें ना मिली तो हम भाग जाएंगे, वहां बीजेपी बोल गई, बीजेपी ने कहा इनको बुलाओ, क्योंकि पासवान वोटर है बिहार में और पासवान की अच्छा वर्चस्व, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ अगर गए एनडीए से तो सकता है कुछ नुकसान हमें हो सकता है। अच्छा आदित्य, अभी ने दिल्ली, आप दिल्ली की और हरियाणा की बात की, दिल्ली में कयास लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम वोट बटा है, इस बार कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, कहीं ना कहीं बीजेपी को कई सीटों पर टक्कर भी देगी, आखिर क्या हुआ कि सातों की सातों सीटें वापस से बीजेपी के खाते में गई। लेकिन अगर हम दिल्ली के लिहाज से बात करें, कांग्रेस की स्थिति की बात करें, तो वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज बढ़ा है, और दिल्ली से अच्छी खबर हम कह सकते हैं, ये आने वाले जो 2020 फरवरी में चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसके लिहाज से अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस बैक करती हुई दिख रही है, क्योंकि 2014 अगर, क्योंकि तीन चुनाव हुए, 2013 चुनाव हुआ, उसके बाद 2015 चुनाव हुए, 2014 लोकसभा हुआ, उसके बाद 2015 और 2019, इतने चुनाव में दिल्ली की जनता गई, इन चारों चुनाव में देखने को मिला, 2013 में जिस तरह से आम आदमी पार्टी उभर कर आई थी, तो वोट परसेंटेज बीजेपी को, कांग्रेस को खा गई, बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस को खा गई, और जब वो 2014 में लोकसभा चुनाव आया तब भी उसने कांग्रेस के वोटर्स को ही खाया, बीजेपी अपनी 7 सीटें बचाने में 2014 में भी कामयाब हुई थी, उसके बाद जब 2015 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उस समय बीजेपी को भी वो खा गई आम आदमी पार्टी, यानी 3 सीटें बीजेपी को मिली, 0 पर कांग्रेस पहुंच गई, 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, तो वहां स्थितियां ठीक रही, लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तो बिल्कुल इतर हो गया, बिल्कुल उल्टा पड़ गया, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई, कांग्रेस दूसरे नंबर पे आ गई, बीजेपी पहले नंबर पर ही अपना बनी हुई, तो ये चीजें हैं कि कांग्रेस के लिए दिल्ली से अच्छी खबर है। जी दिल्ली से अच्छी खबर है, लेकिन अगर एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरना है तो कांग्रेस को अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करने होंगे, क्योंकि कांग्रेस को लोग विपक्ष के तौर पर देखते हैं, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर देखते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे टोटल न्यूज, नमस्कार।